करते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। कुरुक्षेत्र से बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें प्राइवेट स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है कुरुक्षेत्र से। पीलिया का शिकार हुए स्कूल के करीब 22 बच्चे। स्कूल में दूषित पानी पीने की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी, जिसके चलते आपको बता दें उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 से 3 बच्चों का इलाज अभी भी जारी है। तो बड़ी जानकारी कुरुक्षेत्र से आपको बता रहे हैं, जहां पर कुरुक्षेत्र में प्राइवेट स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीलिया का शिकार हुए स्कूल के करीब 22 बच्चे। दूषित पानी पीने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है, जिसके चलते 2 से 3 बच्चों का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। तो बड़ी लापरवाही प्राइवेट स्कूल की सामने आई है कुरुक्षेत्र से। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। पीलिया का शिकार हुए स्कूल के करीब 22 बच्चे और दूषित पानी पीने की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 2 से 3 बच्चों का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गगन सांगर कुरुक्षेत्र से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गगन, की पूरा मामला क्या है और प्राइवेट स्कूल की बड़ी लापरवाही है, क्या अपडेट है इसमें? बिल्कुल, जिस तरह से देखिए गांव जानसा का, कुछ इस तरह के गांव जानसा का मामला बताया जा रहा है, जहां पर दूषित पानी पीने की वजह से जो है 22 बच्चे तकरीबन जो है बीमार हो गए हैं। अभी कुछ का इलाज जो है चला और कुछ जो है स्वस्थ होकर अपने घर के जा चुके हैं। देखिए बहुत बड़ी लापरवाही जो है देखने को मिली है। देखिए जिस तरीके से जो पानी का टैंक जो है अंडरग्राउंड बनाया गया था, वहां पर पानी इकट्ठा होने की वजह से जो है दूषित पानी हो गया, और जिसकी वजह से जो है बच्चों ने पिया, तो उसकी वजह से सभी की तबीयत जो अचानक जो है बिगड़ गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है मौके पर पहुंची थी और जो पानी के जो है सैंपल ले लिए गए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कहा गया है कि जरूर जो है कार्रवाई जो है की जाएगी। जो टेस्ट जो है भेजे गए हैं उनकी रिपोर्ट आने के बाद जो कार्रवाई जो है की जाएगी। लेकिन बड़ी लापरवाही जो है देखने को मिल रही है कि बच्चों की जान से जो है खिलवाड़ जो है किया जा रहा है। जी गगन, जो करीब 22 बच्चे बताए जा रहे हैं पीलिया का शिकार हुए, उनकी स्थिति क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि अभी तक पुलिस ने इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की है प्राइवेट स्कूल के संचालक के खिलाफ? कोई शिकायत दर्ज कराई गई है? जी देखिए, जिस तरीके से जो 22 बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चों की तबीयत जो है अभी ठीक हो चुकी है और कुछ बच्चों का जो इलाज जो है निजी अस्पताल में जो है चल रहा है, ऐसी जानकारी अभी तक हमें मिली है। और डॉक्टरों के द्वारा जो हमें बताया जानकारी मिली है कि जो वोटर टैंक में जो पानी जमा था उसके जो सैंपल ले लिए गए और रिपोर्ट आने के बाद जो है बनती कार्रवाई जो है जरूर की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की जान से खिलवाड़ आखिर क्यों निजी स्कूल जो है लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए गगन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कुरुक्षेत्र से प्राइवेट स्कूल की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीलिया का शिकार हुए स्कूल के करीब 22 बच्चे, दूषित पानी पीने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 2 से 3 बच्चों का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है।